दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए सारी पार्टियां जी जान लगा दी है। सही कई सारी पार्टियां जो है वो भोजपुरी सितारे को उतार रही है। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनको मैदान में उतार दी है। तो इसके साथ साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी मैदान में उतार दी है और वो हेलीकॉप्टर से दौरा करते नजर आए थे। वही अगर हम बात करें तो रवि किशन भी बिहार के मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा जी जान लगा दिए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा नाम में आ रहा है, वो नाम है आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव जिस तरीके से छपरा पहुंचे हुए थे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, तो वहां पर भीड़ देखकर तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि खेसारी लाल यादव की जो पूछ है वो कहीं ना कहीं बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद से आरजेडी के प्रचार के लिए कई सारे दिग्गज भोजपुरी के जो है अभिनेता, वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो प्रमोद प्रेमी के अलावा छोटू छलिया भी मैदान में उतर चुके हैं और आरजेडी के लिए लगातार गाने और स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भोजपुरी की सुपरस्टार क्वीन कहे जाने वाली अंजना सिंह भी अब आरजेडी के प्रत्याशी, यानी कि जो उनके कैंडिडेट थे, उनको जिताने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं और तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने के लिए अंजना सिंह हेलीकॉप्टर से पटना पहुंची थी और वहां पर जाकर दर्शकों को जो है आरजेडी के लिए वोट करने की अपील भी की थी। अंजना सिंह किस तरीके से लोगों के बीच इंटरेक्ट कर रही है और आरजेडी को जिताने के लिए बात कर रही है, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आरजेडी की रैली में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं ये सांकेतिक तौर पर बताता है कि बिहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने वाला है। और इस प्रचार के दौरान छोटू छलिया और अंजना सिंह सरोज यादव के प्रचार में हेलीकॉप्टर से गए थे। किस तरीके से गए थे देखें इस वीडियो में। लास्ट सर, अरे उधर